हाय, दिस इज आयशा फरीद खान ज़ादा। आज हम आर्डिनो की प्लेलिस्ट में लेसन नंबर 6 में जो सीखेंगे वो है हाउ टू यूज़ अ पुश बटन। आप किस तरीके से पुश बटन को यूज़ कर सकते हो टू कंट्रोल अ एलईडी, कि हम एक एलईडी को जो है वो किस तरीके से ऑन और ऑफ कर सकते हैं बाय यूजिंग पुश बटन। तो इसके लिए जो हमें पार्ट्स नीडेड हैं उसकी एक लिस्ट हमारे पास पूरी मौजूद है, जिसमें सबसे पहले तो आपको चाहिए एक आर्डिनो यूएनओ, एक ब्रेडबोर्ड, एक पुश बटन आपको चाहिए होगा, और दो आपको जो है वो रजिस्टर चाहिए, एक जो है 10K का और एक 220 ओम का। एक आपको एलईडी चाहिए। तो हम इसका सर्किट देख लेते हैं। सबसे पहले आपने ब्रेडबोर्ड में एलईडी को जो है वो लगाना है, उसमें एक 220 ओम का रजिस्टर हमने साथ लगा दिया है। फिर उसके बाद जो है आर्डिनो यूएनओ में जो है वो आप जम्पर वायर कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो है इसको डिजिटल पिन 2 में कनेक्ट किया है, इसकी पॉजिटिव लैग को, और जो इसकी नेगेटिव लैग है उसको जो है हमने ग्राउंड के साथ यानी माइनस के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो ये जो है आपकी एलईडी की जो है वो वायरिंग कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमने बटन को अटैच किया है ब्रेडबोर्ड में, उसके साथ आपने 10K ओम का रजिस्टर अटैच किया। उसके बाद आपने जो एक वायर लगाया है उसको आपने जो है वो ग्राउंड दिया है, और जो बटन का दूसरा लैग आपके पास है उसको आपने 5 वोल्ट में लगाना है। अब आपके पास सिर्फ एक ही वायर है जो आपने बटन की डिजिटल पिन देनी है, वो आपने डिजिटल पिन 4 में लगाना है। 4 में सिर्फ इसलिए लगाया ताकि थोड़ा गैप रहे, आप चाहें तो किसी भी डिजिटल पिन में लगा सकते हैं। हम इसका प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कॉमेंट करेंगे प्रोग्राम को यूजिंग पुश बटन। उसके बाद हम एक वेरिएबल बनाएंगे इंटीजर टाइप का एलईडी के नाम से, उसको हमने दे दिया डिजिटल पिन 2। फिर आपने दूसरा वेरिएबल बनाना है इंटीजर बटन, उसमें आपने डिजिटल पिन देनी है 4, जैसे हमने अभी सर्किट में दिया है। ठीक है, सेमीकॉलन लगाना है। यहाँ पर आपने एक वेरिएबल बनाना है बटन स्टेट के नाम से, उसकी डेटा टाइप भी इंटीजर रखें। यहाँ पर फिलहाल उसमें हम 0 वैल्यू स्टोर करेंगे, क्योंकि हमने कोई वैल्यू उसमें स्टार्टिंग में रखनी है। अब ये सारे वेरिएबल आपके पास डिक्लेयर हो गए। उसके बाद अब आपने वाइट सेटअप स्टार्ट करना है। वाइट सेटअप जो है वो आपको लिखने का तरीका पता है। सेटअप में हम ये बताते हैं कि पिन मोड आपका आउटपुट है या इनपुट। तो पिन मोड में जो है हमने एलईडी को पहले बताना है कि एलईडी जो है वो आपके पास क्या है, वो है आउटपुट। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और सेमी कॉलन आप यहाँ लगा दें। उसके बाद अगेन आपने पिन मोड लिखना है। अब आपने बताना है बटन। बटन आपके पास इनपुट है, तो बटन जो है वो हमने यहाँ पर इनपुट कर दिया। यहाँ भी आप सेमी कॉलन लगाएं। अब आपके पास वाइट सेटअप हो गया कम्प्लीट। अब हमने जो है वो वाइट लूप स्टार्ट करना है। तो वाइट लूप लिखने के बाद जो है आपने इसमें क्या करना है कि जो आपने वेरिएबल ऊपर बनाया था बटन स्टेट के नाम से, उसमें आपने उसको इक्वल करना है एक फंक्शन के, वो है डिजिटल रीड। डिजिटल रीड जो है वो आपको बटन की स्टेट को रीड करके बताएगा। अब हमने यहाँ ब्रैकेट में लिखा बटन, जहाँ पर आपने पिन नंबर 4 दिए। अब वो इस बटन को स्टेट को रीड करेगा बटन, और उसको बटन स्टेट में डाल देगा। इसलिए हमने ये वेरिएबल बनाया था ताकि हम इसकी वैल्यू को स्टोर कर सकें। अब हम यहाँ पर इफ की कंडीशन लगाएंगे कि इफ हमारे पास अगर बटन जो है वो इक्वल टू होता है हाई के, अगर आप चाहते हैं तो आप हाई की जगह 1 भी लिख सकते हैं। तो अगर ये हाई के इक्वल होता है तो यहाँ पर आपने ब्रैकेट लाजमी देना है। तो हमने क्या प्रिंट कराना है कि डिजिटल राइट जो है ये W हमेशा कैपिटल रखें, याद रखिएगा। तो LED जो है वो क्या हो, हाई हो जाए, कि अगर बटन की जो है वो वैल्यू हाई है तो फिर LED हाई होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने गैप जो था वो खत्म कर दिया। उसके बाद जो है आपने एल्स की कंडीशन लिखनी है। ठीक है, यहाँ से आपने जो है इफ के ब्रैकेट से पहले बाहर आना है। यहाँ पर आपने लिखना है एल्स। एल्स के बाद जो है आपने ये कंडीशन देनी है कि अगर आपके पास वैल्यू हाई नहीं होती तो फिर क्या करना चाहिए। तो फिर क्या होगा कि डिजिटल राइट में हमने एक और कंडीशन दी कि अगर हमें वैल्यू हाई नहीं मिलती तो LED जो है वो आपके पास लो हो जाए। ठीक है, तो ये आपका जो है कंप्लीट प्रोग्राम है पुश बटन का। अब आप इसको वेरीफाई करें। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे सेव के लिए आपसे पूछेगा, तो ठीक है हम इसे सेव कर देते हैं। अब जो है ये कंपाइल हो गया स्टार्ट। तो कंपाइलेशन आपकी बिल्कुल सही है, डन कंपाइलिंग आपके पास लिखा हुआ आ गया है। उसके बाद आप चाहें तो उसको इजीली अपने प्रोग्राम को अपलोड कर सकते हैं। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया था, और अब आपने इसका सर्किट भी देख लिया और आपने इसका प्रोग्राम भी देख लिया। सो फॉर मोर प्रोग्रामिंग वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।